आज हम डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी स्वतंत्रता की कोटि के बारे में पढ़ेंगे। कोई कण जितनी दिशाओं में स्वतंत्रतापूर्वक गति कर सकता है, दिशाओं की उस संख्या को कण की डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी स्वतंत्रता कोटि कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं हम इसे। जैसे किसी छड़ में पिरोया हुआ छल्ला केवल छड़ की लंबाई में चलने के लिए स्वतंत्र है, अतः उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होती है। किसी कैरम बोर्ड पर चली गोटियाँ केवल उसकी लंबाई और चौड़ाई में चल सकती है, अतः उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होती है। आकाश में उड़ते हुए पक्षी की स्वतंत्रता कोटि 3 होती है, क्योंकि वह तीनों दिशाओं में उड़ने को स्वतंत्र है। अणुगति सिद्धांत के आधार पर एक परमाणु अणु की संरचना को संरचना रहित, चिकना और संघर्षण रहित माना जाए तो एकल परमाणु अणु यानी मोनो एटॉमिक एटम के कोलिजन में रोटेशनल एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होता है। इसमें केवल ट्रांसलेशन एनर्जी का एक्सचेंज होता है। किसी स्थानांतरित ऊर्जा को 3 परस्पर अभिलंबवत दिशाओं घटक ले सकते हैं। एकल परमाणु मोनो एटॉमिक अणु की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है। यदि गैस की अणु की संरचना हो अर्थात कई परमाणु हो, तो कोलिजन पर ट्रांसलेशन एनर्जी विनिमय के साथ साथ उसमें घूर्णन ऊर्जा रोटेशनल एनर्जी का भी एक्सचेंज होता है। चूंकि कोई रोटेशनल एनर्जी भी 3 परस्पर लंबवत अक्षों के अनुदिश घटकों में विभाजित की जा सकती है, अतः घूर्णन ऊर्जा का विनिमय भी 3 स्वतंत्र विधियों से हो सकता है। मोनोएटॉमिक अणु के पास 3 ट्रांसलेशन संबंधी और 3 रोटेशनल संबंधी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। अब हम बात करते हैं डायाटॉमिक परमाणु के लिए, द्विपरमाणु अणु के लिए जिनमें परमाणु दृढ़ बंड में बंधे हों, यानी जहाँ का बॉन्ड जो हो इसका वो मजबूत हो, उसमें घूर्णन की 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम के स्थान पर 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, क्योंकि रोटेशनल एनर्जी का विनिमय अणु के अक्ष पर नहीं हो सकता है, इसलिए इसमें 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम कम हो जाती है। डायाटॉमिक अणु की 2 घूर्णन तथा 3 स्थानांतरीय डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। इस प्रकार कुल 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम डायाटॉमिक अणु में पाई जाती है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाए तो उच्च ताप पर डायाटॉमिक अणु उनको मिलाने वाली रेखा के अलोंग भी कंपन करने लगते हैं और कोलिजन पर इस कंपन ऊर्जा का भी विनिमय होता है, अतः डिग्री ऑफ फ्रीडम और बढ़ जाती है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ती जाती है। अब हम बात करें एक द्विपरमाणु अणु की संरचना में, जिसकी संरचना 2 प्रकार से हो सकती है। या तो ये 3 जो है परमाणु वो फिगर 1 के द्वारा ट्रायंगल रूप में व्यवस्थित हो सकते हैं, जैसा 1, 2 और 3 एटम्स के द्वारा मैंने एक ट्रायंगल के द्वारा इस व्यवस्था को रिप्रेजेंट किया है, या ये रेखीय व्यवस्था हो सकती है जैसा फिगर 2 में 1, 2 और 3 एटम को लीनियरली रेखिक रूप से प्रेजेंट किया है। परमाणु जब फिगर 1 के अनुसार जुड़े होते हैं तो अणु की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n-b के द्वारा दी जाती है, जहाँ n नंबर ऑफ एटम है, b नंबर ऑफ बॉन्ड है। तो आपने यहाँ पर देखा कि 3x3 नंबर ऑफ एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला 3, सेकेंड वाला 3, एंड -3 3 नंबर ऑफ बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि फिगर 1 में 3 बॉन्ड है, इसीलिए 9-3 6 होता है। 3 बॉन्ड के कारण 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम कम हो जाती है। फिगर 2 की व्यवस्था पर देखा जाए, फिगर 2 के अनुसार जुड़े हों तो 2 बंधनों के कारण डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 कम हो जाती है। तो 3x3 नंबर ऑफ एटम 3 होने के कारण n के स्थान पे हमने 3 रखा है, और -b किया है, b नंबर ऑफ बॉन्ड 2 होने के कारण हमने 2 सब्ट्रैक्ट किया है, और 2 सब्ट्रैक्ट करने के बाद 9-2 यानी इस व्यवस्था में 3 ट्राई एटॉमिक
मॉलिक्यूल्स की लीनियर व्यवस्था के अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 रह जाती है। लेकिन टेम्परेचर को अगर बढ़ाया जाए ऊंचे ताप पर ट्रांसलेशन व घूर्णन के साथ साथ कणों में कंपन भी होते हैं एवं डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ जाती है। जैसा आपने सभी केसेस में देखा कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ कर लिया जाए तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ जाती है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के समविभाजन का नियम। यह नियम सर्वप्रथम मैक्सवेल ने प्रतिपादित किया। आइए इसे समझते हैं। जब भिन्न भिन्न ताप पर दो गैसों को मिक्स किया जाता है, जैसा आप फिगर में बताया है मैंने, T1 और T2 टेम्परेचर पर दो गैसेस हैं, गैस वन भी मिक्स कर सकते हैं, गैस वन और गैस टू भी मिक्स कर सकते हैं, टेम्परेचर दोनों का अलग अलग है, तो क्या होता है, अणुओं में कोलिजन से ऊर्जा का अंतर घटता जाता है। जब तक दोनों की औसत ऊर्जाएँ समान नहीं हो जाती, काइनेटिक एनर्जी समान हो जाने पर ताप समान हो जाता है। इसे ही मैक्सवेल का ऊर्जा समविभाजन का नियम कहते हैं। इसी समविभाजन की को बोल्ट्जमैन ने डिग्री ऑफ फ्रीडम के रूप में प्रतिपादित किया। इसके बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।